नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके लिए दो अच्छी एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, जिसमें आपको यदि कंप्यूटर चलाना आता है और टाइपिंग आती है तो ये आप जॉब आसानी से कर सकते हो। जो आपके अलग अलग दो डिपार्टमेंट में बताऊँगा, आपको वीडियो को पूरा देखना है। एक अलग डिपार्टमेंट में और एक दूसरी डिपार्टमेंट बताऊँगा जिसका आपको बस ओनली कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, वो आपका डायरेक्टली आपको जॉब मिल सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये जो वैकेंसी बता रहा हूँ वो है आपकी पर्सनल असिस्टेंट की, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। द पोस्ट फॉर पर्सनल असिस्टेंट इन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO। EPFO में आपके जो आपका ये फंड कटता है, ठीक है, आपका जो आप यदि कहीं जॉब करते हो तो आपका जो PF कटता है उसका जो ऑफिस है उसमें आपके पर्सनल असिस्टेंट की जॉब निकली है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले वैकेंसी देख लो, UR की 132 पोस्ट है ओनली पर्सनल असिस्टेंट की। फिर EWS में 32 वैकेंसी है, OBC में 87 वैकेंसी है, SC में 48 है और ST में 24 है और PWD के 12 अलग पद है। ऐसे करके 323 पद निकले आपके पर्सनल असिस्टेंट के, जिसमें आपको बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो आपका एक डिपार्टमेंट हो गया। दूसरा डिपार्टमेंट वो बताऊंगा जिसमें आपके डायरेक्टली बस आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, वो वाली भी आप दे सकते हो, तो वो आगे बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले आपके क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपकी मांगी गई है। आप बस यहाँ पर ओनली बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, बैचलर डिग्री मतलब ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी जो एज है वो 30 ईयर, फिर OBC की 33, SC ST की 35 और PWD हो तो 40 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हो आप, बैचलर डिग्री इन ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी। फिर आपका जो हेडक्वार्टर है वो EPFO का आपको पता होना चाहिए, दिल्ली में है। प्रोविजन पीरियड आपका 2 ईयर्स का है, मतलब परवीक्षा अवधि, फिर उसके बाद आप परमानेंट हो जाते हो वहाँ पर ही, ठीक है। फिर जो है आपका ये आपकी जो जॉब है उसकी जो कंडीशन है वो आपके यहाँ पर पता रहना चाहिए कि जो फॉर्म की डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है और 27 मार्च इसकी लास्ट डेट है। आपको करेक्शन करने के लिए 5 दिन दिए जाएंगे, 28 मार्च से 3 अप्रैल तक आप करेक्शन कर सकते हो। तो 27 मार्च फॉर्म की लास्ट डेट है, यदि आप भरना चाहो तो भर सकते हो। इसकी फ़ीस बहुत ही कम, मात्र 25 रुपये फीस रखी गई है और अदर कैटेगरी से हो तो उनके लिए नील रखी गई है। आगे बात करें तो यहाँ पर आपकी एक एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम में यहाँ पर आपका पैटर्न है वो आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर आपका जो देख सकते हैं आप, यहाँ पर द टेस्ट विल बी 2 आवर्स ड्यूरेशन, ऑल क्वेश्चन विल बी कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है। फिर जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा आपका, और पेनल्टी मार्क्स है वो आपकी देयर विल बी पेनल्टी मार्क्स रॉन्ग आंसर डिडक्ट 1/3 की यहाँ पर आपकी मार्किंग रखी गई है। सिलेबस आपका यहाँ पर ये होने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, सारे 50-50 नंबर के आएंगे। तो आपके यहाँ पर 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जिसमें 100 वेटेज होगा 100% और रिक्रूटमेंट टेस्ट है यहाँ पर। फिर आपका स्किल टेस्ट भी मैंडेटरी है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर में रहेगा, इससे आपकी मेरिट नहीं बनेगी, ठीक है। आपके जो पेपर का जो आप नंबर अच्छे लाओगे उसमें आपकी पेपर की मेरिट बनेगी स्किल टेस्ट में। स्किल टेस्ट में आपका एक स्टेनो का टेस्ट होगा जो आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर ये आपकी द टेस्ट विल बी कंडक्ट अक्रॉस द सेंटर, तो सेंटर आपके कहाँ कहाँ होंगे, इंदौर में यहाँ पर आपका सेंटर देख सकते हो आप, भोपाल में आपका यहाँ पर सेंटर देख सकते हो आप, और MP के अलग अलग जगह भी आप यहाँ पर सेंटर देख सकते हो, आपको मिल जाएगा इजीली। जैसे आपका ग्वालियर हो, जबलपुर हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा सेंटर इजीली इस एग्ज़ाम में। फिर अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपकी जो सैलरी है वो बहुत अच्छी खासी सैलरी होने वाली है, क्योंकि ये जो सेंट्रल की जॉब है तो अच्छी खासी आपको सेंट्रल के अलाउंसेस भी मिलेंगे और सब कुछ मिलेगा। इसमें स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा। अब चलते हैं सेकंड वाले डिपार्टमेंट में, जिसमें आपकी असिस्टेंट की पोस्ट निकली है, जो कि बहुत ही ईजी वे में आपको बताऊँगा। आपका दूसरा डिपार्टमेंट जो कि है भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद गुजरात में इसका ऑफिस है, और यहाँ पर आपकी जो असिस्टेंट और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट निकली है, यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्ट कम है, पर आप यदि इसमें एक बार चले गए और ये पोस्ट के बारे में किसी को पता नहीं रहता है, तो यहाँ पर देख सकते हो 10 पोस्ट आपकी असिस्टेंट की है और 6 पोस्ट आपकी जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की। इनका दोनों का पेपर अलग अलग और स्किल टेस्ट भी थोड़ा सा बहुत ईजी वे में होने वाला है। तो यहाँ पर पहले असिस्टेंट का देख लो जी, देख लेते हैं। तो वहाँ आपका ईजी वे में होने वाला है, आपको 60% नंबर लाने हैं और आप स्नातक होना जरूरी है, ग्रेजुएट होना जरूरी है, और आपका जो स्किल टेस्ट है वो आपका कंप्यूटर लिटरेसी का टेस्ट होगा। कंप्यूटर लिटरेसी आने होता है कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए MS वर्ड हुआ, MS वर्ड 35 नंबर का होगा, MS एक्सेल 35 नंबर का होगा और 30 नंबर का पावर पॉइंट होगा। इन तीनों में आपसे काम कराएंगे, कॉपी पेस्ट कैसे करना है ना, ठीक है। आपके जो फॉन्ट है, फॉन्ट की साइज़ छोटी बड़ी कैसे करनी है, और पावर पॉइंट में आपको एक आधी स्लाइड बनाना बताएंगे कि आपको कैसे स्लाइड बनानी है, ऐसे करके आपको नंबर मिलेंगे। इसमें भी आपका जो टेस्ट होगा
आपके जो नंबर है उस नंबर पे आपका होगा। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट में थोड़ा सा है, यहाँ 60 शब्द प्रति मिनट आपका स्टेनो का टेस्ट होगा, ओनली 60 शब्द प्रति मिनट। तो उसके पहले आप एक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम बहुत ईजी वे में लिया जाएगा, इसमें भी आपके जो सेंटर्स है वो सेंटर्स आपको ईजिली मिल जाएंगे, और आपकी जो एज लिमिट है वो यहाँ पर 18 से 28 है, उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी अपन बात कर लेते तो यहाँ पर आपकी फ़ीस है वो 500 रुपये लगने वाली, जो कि बिल्कुल रिफंडेबल होगी, रिफंडेबल है पूरी, आपको वापस मिल जाएगी आप एग्ज़ाम दोगे तो CBT। यदि आप फॉर्म भरना चाहते हो तो www.prl.res.in पर जाकर आप ये फॉर्म भर सकते हो। अच्छा मौका है यदि आप करना चाहते हो पोस्ट का में, बट पर ये है कि यदि बहुत सारे बच्चे ऐसी जॉब्स का पता नहीं रहता है तो आप ये भर सकते हो। यदि आपको कंप्यूटर चलाना आता है, टाइपिंग आती है, यदि आपको स्टेनो आता है तो आप ये सारी जॉब्स भर सकते हो। और इसमें जो है सारा मैंने आपको बता दिया है, इसकी भी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च लास्ट डेट है, तो उससे पहले आपको ये सारा फॉर्म भर देना। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपको EPFO वाला पर्सनल असिस्टेंट वाला होता है वो अलग है, और ये आपका अलग है, PRL वाला पर्सनल असिस्टेंट वाला अलग है। तो दोनों आपको मैंने बता दिया क्योंकि मिलता जुलता सेम इनका पैटर्न था, कंप्यूटर रिलेटेड और स्टेनो टेस्ट रिलेटेड। तो होप्स आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चले नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जो है हिंद, वंदे मातरम।